Hey guys, what's up? आज के वीडियो में हम देखेंगे Oxbeam की F16 सीरीज की LED लाइट बल्ब्स। इसमें हम देखेंगे उसकी अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और रिव्यू और बाय करने के लिए डिस्काउंट कोड भी। So let's get started. तो ये हम देखेंगे मेरी Swift डिजायर में। यह है 2013 मॉडल VXI। तो सबसे पहले देखते हैं अनबॉक्सिंग। तो यह है इसका बॉक्स। इसमें सारे टाइप्स के कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। मारुति के मोस्टली कार्स में H4 लगता है, तो मैंने अपने लिए H4 ऑर्डर करा था वेबसाइट से। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है सारा पेपर वर्क। इसमें सारा को मिलेगा वारंटी कार्ड और मैनुअल इंस्ट्रक्शंस। तो उसे साइड रखते हैं। तो F16 सीरीज बल्ब ऐसा दिखता है गोल्डन कलर का, और ये मोस्टली गोल्डन कलर में ही आता है। और ये है इसका H4 कनेक्टर जो कि मारुति कार्स में फिट होता है, और ये है इसका करंट ड्राइवर जो कि कांस्टेंट रखता है बीम को हमेशा और कभी भी कम नहीं होने देता इंटेंसिटी को। तो कनेक्टर के बेनिफिट्स ये हैं कि कोई वायरिंग नहीं कट करनी पड़ती, वारंटी भी वॉइड नहीं होती अगर आपकी कार न्यू है, और सब कपलर टू कपलर होता है। तो मैंने इसे Oxbeam की वेबसाइट से ऑर्डर करा था। तो इसे लगाने के लिए आप किसी भी शॉप पे जा सकते हैं और वो लगा देंगे आपके लिए। हार्डली 50-100 रुपीज लेंगे, और मोस्टली अगर आप खुद भी लगा सकते हैं अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई वायरिंग नहीं कट करनी पड़ती, तो उसका बेनिफिट है कि वारंटी वॉइड नहीं होती अगर आपकी कार न्यू है। बस सिंपली रबर कवर को हटाया जाता है बल्ब लगाने के लिए। एक बार बल्ब अंदर लगा दिया जाता है फिर वापस कवर भी लगा दिया जाता है। वो इसलिए होता है ताकि अंदर वाटर और मॉइस्चर ना जाए। और पुरानी मैंने बॉक्स के अंदर वापस डाल ली थी ताकि अगर ये वाली ख़राब होती है तो वापस चेंज करने के लिए दूसरी लाइट बल्ब अवेलेबल हों। तो लाइट सब लग गई हैं, अब इन्हें टेस्ट करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन तो लाइट्स के काफ़ी अच्छे हैं। डायरेक्ट रोड पर जा रही है इसकी बीम और काफ़ी स्ट्रांग भी है। इसकी इंटेंसिटी आपको मिलेगी 6,500 ल्यूमन्स, और नॉर्मली जो साथ आती है उसके आपको मिलेगी 4,800 ल्यूमन्स के आसपास। और इसकी लाइट आईज में भी नहीं छुपती अगर कोई सामने खड़ा हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले लोग HIDs काफ़ी लगवाते थे जो कि डायरेक्ट आँख में छुपती थी, ये काफ़ी बेटर है, आईज में नहीं लगती। तो ये वाली लाइट्स बेटर तो है नॉर्मल से डेफिनेटली, पर ये देखने में भी बेटर लगती हैं, तो काफी लोग शौक के लिए भी लगवा लेते हैं। तो अगर आप देखें तो पिच डार्क में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इन लाइट्स की, और पहले वाले से काफी बेटर है। तो ये LED बल्ब IP68 रेटेड है। ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है, और साथ में स्नो रेजिस्टेंट भी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये आप Oxbeam के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। आई लीव अ लिंक डाउन बिलो फॉर यू टू यूज। एक कूपन कोड भी साथ में आपको मिल जाएगा नीचे, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। और अगर आप ऑर्डर करें तो अपनी कार का कनेक्टर जरूर चेक कर लें ऑनलाइन या उसकी मैनुअल में जो कि कार के साथ आती है। जैसे कि मारुति में आपको मिलेगा H4 और Fiat या Isuzu में आपको मिल जाएगा H7, तो वो ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही ऑर्डर करें LED लाइट्स। इनका प्राइस अराउंड $52 यानी 3700 इंडियन रुपीज़। और अगर आप कूपन कोड लगाते हैं जो कि है AFF10, तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी इसमें आपको $5.2, तो टोटल आपको अराउंड पड़ेगी $47 की, यानी 3300 इंडियन रुपीज़। सिमिलर क्वालिटी और इंटेंसिटी की लाइट्स अगर आप इंडिया में लेते हैं तो आपको लगभग पड़ेगी 6,000 से 7,000 की, यानी अराउंड $100, यानी कि डबल द कॉस्ट। तो अगर आप ये लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि प्राइस भी कम है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वो कैसी लगी आज की वीडियो। और अब से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी एवरी फ्राइडे, सो दिस विल बी द शेड्यूल फॉर द कमिंग फ्यूचर। और जैसा आपको पता होगा हमने Oxbeam की A2 सीरीज का गिव अवे करा था,
तो अगर ये वाली वीडियो 1000 लाइक्स रीच करती है तो हम कुछ इंटरेस्टिंग गिव अवे करेंगे आप लोगों के लिए। सो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।